नगर निगम चुनाव की आरक्षण कार्यवाही आज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित की गई, जिसका कांग्रेसी विधायक संजय शुक्ला और नगर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने विरोध जताते हुए कहा कि यहां आज हजारों की संख्या में प्रतिनिधि एकत्रित हुए हैं। अगर यहां से संक्रमण फैलता है तो क्या प्रशासन जवाबदारी लेता है? अभी पूरे देश में संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों दिए गए आदेश का पालन नहीं हो रहा है। इंदौर में चुनाव आयोग पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे भाजपा को चुनाव जिताना चाहते हैं। सभी सरकारी कर्मचारियों को चुनाव में व्यस्त कर दिया है, जिससे काफ़ी समस्याएं जनता को हो रही है। इंदौर ब्यूरो के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मुखिया है, उनने घोषणा करी है कि कोई भी अधिकारी, कोई भी मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या विधायक हो या अधिकारी हो, कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा, कोई भी जो भी कार्रवाई होगी तो सब पे कार्रवाई होगी, भले वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो। इतना बड़ा उनने डिसीजन लिया है वो अस्पताल में भर्ती होने के बाद जनता की भलाई के लिए, परंतु इंदौर में आदरणीय हमारे कलेक्टर साहब ने ये आरक्षण की रात को कैंसिल करना चाहिए। हमारा खुद का प्रोग्राम मांग लिया, मैं आज कार्यकर्ता सम्मेलन तो वह हमने कैंसिल कर दिया, परंतु हमारा कलेक्टर साहब ने ये कार्यक्रम कैंसिल क्यों नहीं करा? मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहे हैं। इंदौर शहर में महामारी इतनी आगे बढ़ते जा रही है, उसके बावजूद भी ये इतना बड़ा आरक्षण हुआ, हजारों आदमी है इकट्ठा हुआ, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? एक तरफ आप हमसे बोलते हैं कि भैया आप सोशल डिस्टेंस का पालन कराइए, अब हम कैसे कराएं? आज देखिए अधिकारी लोग नहीं कर पा रहे हैं, ये लोग नहीं कर रहे हैं, तो ये कितना बड़ा मुख्यमंत्री के लिए चैलेंज किया है। वो बोलते हैं चुनाव आयोग ने हमको दिशा निर्देश दिए, चुनाव आयोग भी इन्हीं तरफ में आता है, चुनाव आयोग ये थोड़ी बोल रहा है कि महामारी के अंदर आप चुनाव कराइए, आरक्षण कराइए, आरक्षण की इतनी जल्दी क्या है? आप आज इतने सारे अधिकारी हैं, इंदौर शहर में महामारी फैल रही है, तो आप जाके वो देखें व्यवस्था देखे जाके, परंतु सब व्यवस्था छोड़ के ये सब चुनाव के अंदर लगे हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताना है और उसके लिए लगे हुए हैं कि भाई यहाँ माहौल बनेगा और हमें सरकार बनेगी, इसके अलावा कोई नहीं है। तो कलेक्टर साहब आज ये देखिए वो भारतीय जनता पार्टी काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बात नहीं मान रहे हैं। वो इंदौर के अधिकारी हो या कर्मचारी हो या पटवारी हो या शिक्षक हो, इन सबको चुनाव की ड्यूटी में लगा दिया है। परंतु आप सब लगाइए, एक एक घर जाइए, जांच कराइए कोरोना की, वो जांच नहीं हो रही, बेचारे पटवारी के नामांकन नहीं हो रहे, वो नहीं करा रहे, शिक्षा विभाग वाले शिक्षा पढ़ाई नहीं कर पा रहे, सब ड्यूटी लगे हैं, वोटर लिस्ट चेक कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, परंतु इतनी जल्दी क्या है? उसका हम विरोध कर रहे हैं, और हमें विरोध नहीं कर रहा हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है तो मैं उनके समर्थन में बोल रहा हूँ, मैं अपने खुद के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो उनने बोला है उसके लिए हम बोल रहे हैं। जब आपने आवाज़ उठाई तो क्या इनका क्या कहना था, इन्होंने आपकी बातों को माना या नहीं माना? मेरी बात को नहीं माना इनने, वो कार्यक्रम चलने दिया, उसके जिम्मेदार ये सब जितने अधिकारी हैं ये सब जिम्मेदार होंगे, इसमें किसी को भी कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।